सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की मतलब अभी आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा, हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने के लिए। जैसा कि माता का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। इस टाइम हम खड़े हैं जंदर कैंट के स्टेशन पे, ये देख सकते हो साथ में राजधानी गाड़ी जा रही है। टाइम अगर बताए तो टाइम हो गया है 12:40 रात के या सुबह के, कुछ भी बोल दो, 1 फेब स्टार्ट हो गई है। और गाड़ी है हमारी आधा या पौना घंटा लेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोगी हुआ पड़ा है मौसम। और आज की हमारी यात्रा में हमें ये दो बंदे ज्वाइन करने वाले हैं, ये देख सकते हो, ये है दो बंदे जो मेरे साथ जाने वाले हैं। और आते आते तो हमारी हालत टाइट हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा फोगी थी, विजिबिलिटी 5% भी नहीं है ऑन दी रोड। और बस माता जी का नाम लेके और महादेव का नाम लेके करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। सो जय माता दी एंड हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिएगा। तो आज की यात्रा हम करने वाले हैं हेमकुंट एक्सप्रेस गाड़ी में, बस वेट कर रहे हैं गाड़ी आ जाए, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट 25 मिनट या 30 मिनट हो गए हैं यहाँ पे वेट करते करते। तो बस यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे ये बंदे अपने खड़े हैं, और यहाँ से हम चाय पी रहे थे, तो बस चाय पीते पीते देखते हैं अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। वैसे तो अभी दिखा रहा है कि 1:30 पे ट्रेन आएगी बाकी, बट अंकल बोल रहे हैं कि उससे जल्दी आ सकती है, तो लेट्स सी ये गाड़ी अभी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। अपनी जर्नी शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, अपना भरपूर प्यार बनाइएगा। और आपने लास्ट वाली यात्रा वीडियो में भी बहुत सारा अपना भरपूर प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी वैसे टाइम तो ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है, देखो कितनी देर में वो ट्रेन आती है, अभी भी देखते हैं, हाफ एन आवर और लगेगा। और अभी वीडियो को करने वालों में बंद, सीधा सुबह आपसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे जाके मिलेंगे। तो वीडियो को करते हैं बंद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और बार बार शूट करना इज़ हार्ड फॉर मी एज वेल। वेटिंग रूम में जाके अभी हम करेंगे आराम थोड़ा बहुत, और मिलते हैं आपसे सुबह सीधा मॉर्निंग में। बाय बाय अभी के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी इस टाइम है हम उधमपुर में, और 7:49 हो गए हैं, 7:49। ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, जहाँ कि इसका टाइम था 7 बजे पहुँचने का कटरा, बट जैसा कि आप देख सकते हो 49 मिनट तो वैसे ही लेट हो गया, अभी हाफ एन आवर और लगेगा जाने में, क्योंकि कल रात को बहुत फोग हुआ पड़ा था। मतलब ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर रीजन में थी फोग, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में थी, चंडीगढ़ वाली साइड, फिर लुधियाना, जलंधर, आगे अपना पठानकोट, जम्मू तक भी कितनी ज़्यादा फोग थी। जम्मू क्रॉस करके आगे आए हैं, तो अभी हल्का सा कोहरा कम हुआ है और सूर्य देवता प्रकट होने शुरू हो गए हैं। ट्रेन के बैक साइड में आप देख सकते हो हल्का सा आपको सनशाइन दिख रहा होगा। और अभी मेरे को ना उधमपुर का स्टेशन पर्सनली बड़ा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सुबह से मतलब रात से बैठा हूँ, एक भी स्टेशन पे नहीं उतरा, बस यहीं पे उतरे हैं अभी हल्का सा चिल मारने के लिए। और ये हमारी ट्रेन जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, हेमकुंट एक्सप्रेस, काफ़ी डिले चल रही है, बट कोई बात नहीं, पहुँचेंगे। मैंने वैसे एस्टिमेट लगाया था कि 7 बजे का जैसे टाइम है कटरा पहुँचने का, तो हम 8 बजे तक स्टेशन से बाहर निकल आएंगे, बट 8 तो हमें यहीं पर बजने लगे हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है। और हॉर्न बज गया, ट्रेन हमारी चलने वाली है, अभी सीधा आपसे कटरा जाके मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ये देखिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। ट्रेन रुक गई है यहाँ पे, और हम अभी हमने पुलिस वाले सर से पूछा तो उन्होंने बैक साइड से जाने को बोला है, जिनकी डबल वैक्सीन लगी है, जिनको सिंगल वैक्सीन लगी है वो ये वाले रैंप से ऊपर जाएंगे, उनका रैपिड टेस्ट होगा। तो बस हम निकल रहे हैं बाहर, जल्दी से चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हम बाहर पहुंचकर देंगे। ये देखिए ये बंदे जा रहे हैं सिंगल वैक्सीनेशन वाले, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है डबल वैक्सीन की। इन सभी लोगों की रैपिड टेस्ट होगा, ये जो सामने जा रहे हैं ना इन सभी का रैपिड टेस्ट होगा। तो ये देख सकते हो आप लाइन लग गई है रैपिड टेस्ट के लिए। स्टेशन से बाहर आ गए हैं अभी, तो ये देखिए सामने लिखा है बाहर जाने का रास्ता, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से आपको ऑटो स्टैंड भी मिल जाएगा सामने राइट मुड़ते ही। देख सकते हो बैक साइड में टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से अगर आप ऑटो लेके बस स्टैंड जाना चाहोगे 110 रुपये लगेंगे, चाहे यहाँ से लो चाहे बाहर से लो। और अगर आपने बाणगंगा जाना है तो लगेंगे 210 रुपये, बट आई प्रेफर, मैं तो पैदल चला जाता हूँ बाय वॉक, क्योंकि अपना वार्म अप भी हो जाता है, और क्योंकि मेरे को यहाँ के रास्ते आई एम वेल नोन विद दी ऑल दी रूट्स। तो बाकी अभी एक आपको अपडेट देना था कि
अगर 18 साल से कम हो आप और आपको एक वैक्सीन लगी है फिर आप एलिजिबल हो, आ सकते हो, रैपिड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो और आपको एक वैक्सीनेशन लगी है तब आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा स्टेशन पे ही। और मेरे बंदे अभी पीछे किसी की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो बंदे का एक बंदा मिला है हमें, उसका फ्रेंड खो गया, तो हमारे पास वर्किंग सिम है जो कि कॉलिंग वगैरह हो जाएगी, इंटरनेट भी थोड़ा बहुत चल पड़ेगा, अपडेट देता रहूँगा। एंड बाकी बस अभी चलते हैं यहाँ से, हमने करना है पहले तो ब्रेकफास्ट, चाय पानी पियेंगे, अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद हमने सीधा चढ़ाई शुरू कर देनी है। जम्मू क्रॉस करते ही हल्का सा मौसम में बदलाव आया है, एक्चुअली अभी कटरा में थोड़ी कम ठंड लग रही है बट माउंटेंस पे देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्नो दिख रही है। भैरव घाटी पे जाके पता लगेगा एक्चुअली वहाँ का व्यू, क्योंकि हाल फिलहाल में वहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं और ज़्यादा ना बोर करते हुए आपको मिलते हैं सीधा आगे जाके। जय माता दी, वे टू भवन। ये देखिए मेन गेट पे पहुँच गए हम और क्राउड काफ़ी ज़्यादा कम है, ये देख सकते हो आप, क्राउड बहुत ज़्यादा कम है। और ये है मेन गेट बाणगंगा का, जिसको फ्रिस्किंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे चेकिंग होगी आपकी और आपकी यात्रा पर्ची देखी जाएगी। आप ये देख सकते हो फ्रिस्किंग पॉइंट से हम बाहर निकल गए हैं और यहाँ से हमारी मेन यात्रा स्टार्ट होगी। और इस टाइम खड़े हम यहाँ पे साथ में हमारे सुनाल जी। सुनाल जी क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे? जय माता दी। जय माता दी। और इधर है हमारे साथ सुनाल का छोटा भाई सत्यम। सत्यम क्या हाल है भाई? बढ़िया। जय माता दी बोल दो ऑडियंस को। जय माता दी। तो बस हम ऑफिशियली अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना, क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। एंड बस अभी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, 10:30 हो गए हैं, देखते हैं कितने बजे तक ऊपर पहुंचेंगे। और उसके बाद हमने सोचा है कि उड़न खटोले में भैरव बाबा की घाटी में जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। लेट्स सी कैसे होता है, क्योंकि 4 बजे तक ही उड़न खटोले की टिकट मिलती है जैसा कि हमारे सूत्रों से हमें पता लगा, क्योंकि पिछली बार भी आया था विंटर्स का टाइम 4 बजे का है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, अभी जय माता दी बोल के अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट से निकल के हम आ गए हैं आगे और आज हम आपको दिखाएंगे गुलशन कुमार जी का लंगर जो कि चलता है 24 घंटे के लिए। लंगर का रास्ता आगे है वो भी लिखा हुआ है बोर्ड। और ये देखिए ये है सामने गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी शोरूम। अभी सीधा चलते हैं लंगर हॉल में। न्यू ट्रैक ताराकोटे रूट, ये है सारा ताराकोटे मार्ग। ये स्टेयर्स नीचे उतरोगे आप, सामने से जाएगा वो जो ग्रीन रेलिंग के साथ लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा है वो सारा ताराकोटे मार्ग को अटैच हो रहा है। और अगर लंगर हॉल की बात करें तो ये देखिए ये गुलशन कुमार जी का लंगर हॉल जो कि चलता है 24 घंटे के लिए। गुलशन कुमार जी के लंगर को माता रानी का प्रसाद भी माना जाता है, इसलिए ग्रहण जरूर करना चाहिए। मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए बट फॉर द फर्स्ट टाइम इतना कम क्राउड है। ये देखिए आज तारीख एक बार आपको बता दे तो है 1 फरवरी। लास्ट टाइम देखा होगा आपने ये फ्लोर बन रहा था, अभी ग्रिल वगैरह लगा दी है। ये देख सकते हो आगे जाने का पूरा रास्ता बना दिया है। ये देख सकते हो साफ सफाई भी चल रही है साथ में। जय माता दी। बाणगंगा की स्टोरी हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताता ही हूँ, एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि बाणगंगा वही जगह है जहाँ पे बाण मार के श्री माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी को पानी पिलाया था गंगा जी का, और यहाँ पे माता जी ने अपने बाल भी धोए थे, जिसे इसको बालगंगा भी बोलते हैं और बाणगंगा भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, बाणगंगा और बालगंगा। तो बाकी स्टोरी अगर आपको जाननी हो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, फुल स्टोरी है, देख लेना जाके। तो अभी यहाँ से चलते हैं, काफ़ी लेट चल रहे हैं हम, एस्टिमेटेड मतलब जो भी प्लान बनाया था ना उसके अकॉर्डिंग इसकी शक्ल देख लो आप, बंदे की कैसी हुई पड़ी है। तो हमारा मतलब हमने सोचा था कि 9 बजे स्टार्ट कर देंगे अपनी यात्रा बट 11 बज गए हैं, क्या बात है। जल्दी से चलते हैं और आपसे मिलते हैं अभी रास्ते में जाके। चरण पादुका में हमने दर्शन कर लिए हैं और आपको चरण पादुका के बारे में बताएं तो यहाँ पे रुककर माता जी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, यहाँ पे माता जी के चरण बने हुए हैं और यहाँ से फिर सीधा माता जी लुप्त हो गए थे और सीधा अर्धकुंवारी गुफा में जाके 9 महीने माता जी रहे थे वहाँ पे। बुलाया है माता ने, बुलाया है
माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गर्मी हद से ज़्यादा हुई पड़ी है, हवा हल्की हल्की चल रही है, बट स्टिल सूरज की किरणें इतनी तेज़ पड़ रही हैं कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस टाइम हम अर्धकुंवारी से 3 किलोमीटर दूर हैं, अभी हार्डली 1 आवर में कवर कर लेंगे और होपफुली एस्टिमेट लगाया कि 3:15 बजे तक भवन पे पहुंच जाए किसी भी तरह, क्योंकि हमें मिल जाना चाहिए उड़न खटोला भैरव घाटी जाने के लिए। तो जस्ट वी कैन होप। और ये हमारे पार्टी के 2 बंदे इधर चल रहे हैं। हाउ यू आर फीलिंग ब्रो? फीलिंग वेरी गुड। ये थक गया बंदा बहुत ज़्यादा। ओहो, और बाकी चलते जा रहे हैं माता जी का नाम लेके। बोलो जय माता दी, 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 जय माता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ये स्टेयर्स हैं जो काफ़ी स्टीप स्टेयर्स होती हैं, तो अगर आप स्टेयर्स लेते हो तो आराम आराम से चला कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट के रिलेटेड या कोई और, तो कृपया करके स्टेयर्स का उपयोग मत करें। आपसे ये विनती है हम सभी की। एंड भैया जय माता दी, जय माता दी। स्नो केप्ड माउंटेन्स, ज़्यादा तो मतलब ज़्यादातर तो पिघल गई है, बट स्टिल ऊपर थोड़ी ठंड होने के कारण हवा चलती है ना, तो यहाँ पे बर्फ़ थोड़ी बहुत फ्रीज हुई पड़ी है। बाकी तो भैरव घाटी जाके असली व्यू दिखेगा, क्या व्यू होगा वहाँ पे। डाइवर्जन आ गया यहाँ से, हिमकोटी मार्ग या ताराकोटे मार्ग जिसको बोलते हैं, ये मेन गेट उस चीज़ का है। एंड यहाँ से जाएंगे हम अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी जाके आपको अपडेट देते हैं कि गुफा ओपन है या नहीं। यहाँ पे ये देखिए इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है, जहाँ पे रुक के आप खाना वाना खा सकते हो। उधर से एक रूट ताराकोटे मार्ग इज इक्वल टू हिमकोटी मार्ग, एंड सेकेंड वन जो कि हम लेने वाले हैं यहाँ से जाके अर्धकुंवारी गुफा की तरफ, और फिर हम ऊपर से जाके इस रूट को वहाँ से अटैच कर लेंगे ताराकोटे मार्ग में। ये देखिए यहाँ पे है थोड़ा बहुत क्राउड, सुबह से मेरे को अब क्राउड देखने को मिला है यहाँ पे। तो भी फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, और अभी जानने में मिला है पीछे सर खड़े हैं, इन्होंने बताया कि गुफा बंद है, और गुफा तब तक बंद है जब तक कोरोना काल चल रहा है, तब तक बंद है, तो अभी खुलने के कोई आसार नहीं है। पर्ची बन रही है नीचे से, टिकट मिल रही है आपको कूपन, वो दिखा के आप अंदर जा सकते हो। हमारा एक बंदा भी गया अंदर दर्शन करने के लिए, फिर हम दोनों जाएंगे, सामान की रखवाली हमारा तीसरा बंदा करेगा, और उसके बाद हम ये वेटू भवन, ये जो लिखा है ना पीछे रास्ता, ये हल्की सी गुफा बनी है ये यहाँ पे, यहाँ से हम जाएंगे ताराकोटे मार्ग की तरफ, और होपफुली हम 4 बजे तक पहुँच जाए, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा लेट हो गए, 5:30 बजे आरती शुरू हो जाती है, फिर हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर 1.5-2 घंटा आरती चलती है, फिर बाहर बैठना पड़ेगा। देखते हैं पहुंच जाएंगे 4 बजे तक। उम्मीद तो पूरी हो रही है, पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी जय माता दी। ये बंदा बड़ा लेट करा रहा है यार, बहुत थक जा रहा हूँ ना। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, भाई हमारा बंदा है, फिर दर्शन करके जल्दी से निकलते हैं, फुर होते हैं, आगे जाके जो भी खाना पीना आगे जाके करेंगे। और इस टाइम कुछ ऐसा है हालात यहाँ का, ये देखिए है थोड़ा बहुत क्राउड, यहीं पे मेरे को कुछ क्राउड देखने को मिला है, अदरवाइज जब से यात्रा स्टार्ट किया मेरे को इतना ज़्यादा क्राउड दिखा ही नहीं था। ये ऐसा टाइम है कि काफ़ी कम लोग प्रेफर करते हैं आना, बट स्टिल। और आपको बता दें ये इस साल की दूसरी यात्रा है हमारी, मतलब मेरी, इसको तो मैं खींच के ले आया हूँ बस कैसे भी करके। पहली यात्रा हमने January 1st को की थी, मतलब 2021 31 दिसंबर को स्टार्ट करके 1 जनवरी को पूरी की थी यात्रा वो, और ये यात्रा हम 1st of Feb को कर रहे हैं, 2nd month में 2nd यात्रा। देखते हैं माता जी कब तक बुलाएंगे, तब तक आते रहेंगे प्यार से, और आप सभी के सामने वीडियो पेश करते रहेंगे। दर्शन करके आ गए हैं अंदर से, और आपको बताया जैसे गुफा अभी बंद ही रहेगी जब तक कोरोना काल चल रहा है, मतलब हाई पीक पे अभी जैसे कि, तो गुफा बंद है, अंदर जा सकते हो, बाहर से दर्शन करके आ सकते हो। बाहर से उन्होंने काइंड ऑफ जाली टाइप लगाई हुई है उसके अंदर से, बट थोड़ा बहुत दिख जाता है, स्टिल माता जी के दर्शन करके आए हैं हम गुफा के। और अभी हम बस जल्दी से निकलने वाले हैं ताराकोटे मार्ग से। हमारी यात्रा मंगलमय हो, माता जी आप सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जल्दी से चलते हैं और आपसे ताराकोटे मार्ग पे जाके मिलते हैं। चाय पानी भी हमने अभी करना है, तो देखते हैं आगे जाके करेंगे कि यहाँ पे करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखते रहो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे ताराकोटे मार्ग पे जाके। तो दोस्तों ये हिमकोटी
या ताराकोटे मार्ग, जो भी आप बोलना चाहोगे इसको। यहाँ से हमने मतलब ये सारा रूट 5.5 किलोमीटर का है, मतलब 5.5 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर अभी तक हम आ गए हैं, 2.5 किलोमीटर और पड़ा है। और टाइम अगर बताएं तो 3:30 होने वाले हैं, नाना करके भी 4:15 तो बजेंगे इजीली। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। बाकी वो दो बंदे पीछे रेस्ट कर रहे हैं, आपको आई होप दिख रहे होंगे, ये वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। एंड जस्ट अभी स्लो स्लो जा रहा हूँ मैं तो, हमें 4 बजे इसीलिए पहुँचना था कि क्योंकि वो आरती के लिए ना फिर कपाट बंद कर देते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन लग जाती है, उसको निकलने में 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इसी कारण हम सोच रहे थे कि जल्दी से पहुँच जाए, बाकी होगा तो वही जो माता जी चाहेंगी तभी दर्शन कर पाएंगे। देखते हैं, पूरा ट्राई करेंगे 4:15 तक पहुँचने का, ताकि लोकल रूम में अपने सारे बैग वगैरह सबमिट करवा के हम दर्शन कर सकें जल्दी से। और फिर उड़न खटोला तो आज हमें मिलेगा नहीं, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा भैरव घाटी भी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब किया चैनल को, शेयर कर दीजिए आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा प्यार बरकरार रखिए। अपना यात्रा अपनी करते हैं कंटिन्यू, और आपसे मिलते हैं आगे जाके, चाय पानी और इवनिंग स्नैक्स जो भी खाएंगे, खाना वाना हम भवन पे जाके ही खाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे जाके। एक बढ़िया नज़ारा, हल्का सा यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्नोफॉल दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब देखिए क्या बात है। तो दोस्तों फाइनली भवन आंखों के सामने है। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी। भवन है एकदम सामने, बस अब बिना ब्रेक लाए हमने सीधा जाके भवन पे रुकना है। इनको इनकी तो लग गई ब्रेक यहीं पे ये देखो लग गई ब्रेक, अभी बिना ब्रेक लगाए भवन पे रुकेंगे जाके। और सबसे पहले लॉकर रूम देखना है, मतलब लॉकर रूम देखना है, सारा सामान सबमिट करवा के हमने लग जाना करके लाइन में दर्शन करने के लिए। फाइनली पहुंच गए हैं, वो सामने देखिए लॉकर नंबर 1 भेंट शॉप भी है ये लेफ्ट साइड में, जहाँ से प्रसाद लेते हैं। ऊपर बर्फ़ है, इधर भी बर्फ़ है, और बस आप क्राउड चेक कीजिए कितना कम क्राउड है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अभी तो उसका नया वेरियंट चल रहा है ओमिक्रॉन, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, उससे बच के रहिए। लाइन एकदम खाली पड़ी है, आराम से खुले दर्शन करके सीधा फिर आपसे मिलते हैं लोकल रूम में, पहले सबमिट करवा दें अपना सामान सारा, फिर आपसे सीधा मिलेंगे दर्शन करने के बाद। शाम हो गई है, दर्शन करके हम आ गए थे बाहर, उसके बाद हम दर्शन करने गए शिवजी की गुफा है यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताना है। तो और शिवजी की गुफा के साथ है एक राम मंदिर, तो वो जब आप माथा टेक के निकलते हो, दर्शन करके निकलते हो माता जी के, उसके साथ में ही है। मैं आपको अभी लोकेशन दिखाता हूँ जस्ट। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, अचानक से सारे कपड़े हमारे गीले हो गए हैं ड्यू टू ये फोगी हुआ पड़ा है सारा, उसके कारण एक तो स्वेटिंग भी हो रही है, उसके कारण सारे ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े गीले हो रखे हैं। एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मैं तो अभी फुल कवर होकर चल रहा हूँ अंदर दरबार में, हमारी सॉक्स भी गीली हो गई थी, तो अभी सब कुछ मतलब एकदम सुन्न हुए पड़े हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान सब कुछ सुन्न हुए पड़े हैं, होश नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो बाकी दर्शन खुले दर्शन हुए ना, मतलब जिसे बोलते हैं खुले दर्शन हुए, मज़ा आ गया माता जी के दर्शन करके। ऐसा है ना कि 2 मिनट कम से कम मैं अंदर खड़ा रहा हूँ दरबार में, और इसमें फूल भी है माता जी के जो हमें पंडित जी ने दिए, फूल है और हमारा पूरा प्रसाद पंडित जी ने माता जी के मतलब चरणों में स्पर्श किया, काफ़ी दिल को सुकून मिला। क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस मतलब ओमिक्रॉन बंदे तो आ ही नहीं रहे हैं, अब ये देखो क्या कैसे खाली पड़ा है सारा। ये वीडियो मैं 1 फरवरी को बना रहा हूँ, आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ। एंड अभी हम जा रहे हैं भोजनालय खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी जोरों शोरों की लगी हुई है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे थे रोपवे तब बंद हो गया था, मतलब वो पुलिस वाले गार्ड में बोल रहे थे कि अगर आना है तो 2 मिनट में आ जाओ, बट हमें दर्शन करने में कम से कम 1.25 घंटा या 1 घंटा लग गया होगा, क्योंकि हम साथ में शिवजी की गुफा में भी गए थे और राम जी के मंदिर में भी गए थे, तो उसके कारण हमें 1 घंटा लग गया कम से कम। तो अभी तो रोपवे बंद है, भोजनालय में खाना खा के अपना हम फिर जाएंगे भैरव बाबा की घाटी में, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होगे, वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप में से कोई यहाँ पे
मतलब माता जी के दर्शन करने नहीं आ सकता है, नहीं आ पा रहा है किसी रीज़न के कारण, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरे पास माता जी के खजाने, मतलब खजाना बोलते हैं माता जी का, वो मेरे पास दो पड़े हैं, एक मैं किसी सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दूंगा। आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना जैसा भी होगा, वैसे कमेंट कम ही आते हैं, जितना भी होगा मतलब जैसा भी कर पाऊंगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आवाज़ भी फंबल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। नीचे शिव जी की गुफा के पास तो बर्फ़ भी पड़ी हुई थी और पूरा बर्फीला पानी आ रहा था ऊपर से पहाड़ों से, क्या बताएं यार, पैर एकदम सुन्न हुए पड़े हैं। अभी तो डबल सॉक्स कर लिया फिर से। देखते हैं राजमा चावल खाएंगे, यहाँ के भोजनालय के राजमा चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। भोजन करते हैं हम ना, मतलब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। तो ये देखिए हमारे राजमा चावल आ गए हैं, 45 रुपीज़ प्लेट। जल्दी से खाते हैं इसको, काफ़ी भूख लगी है। तो दोस्तों भैरवनाथ की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है और रास्ता एकदम सुनसान पड़ा है। इधर दो बंदे अपने हैं, बाकी देख सकते हो नीचे से कोई खास आ नहीं रहा, और आरती चल रही है और राइट साइड में हमारे भवन। बस चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। टाइम तो 7:24 हो गए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 7:30 लगा लेते हैं, और अब देखते हैं कि हम ऊपर भैरव बाबा की घाटी में कब तक पहुंचेंगे। और बाकी व्यू तो एंजॉय कर नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा होगा ऊपर सारा। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से अपनी चढ़ाई हम कंप्लीट करते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं कि अगर आना चाहते हो इस सीज़न में तो आ जाओ, खुले दर्शन होंगे आप सभी को, मतलब क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज तो खुले दर्शन होंगे। मैं तो खुद बड़े खुले दर्शन करके आऊँ, दिल को सुकून मिला है और हाथ में प्रसाद भी अपने। तो अभी जा रहे हैं हम भैरव घाटी, भोजनालय से हमने राजमा चावल खाए, हलवा खाया, साथ में चाय पी, बिस्किट्स खाए, और आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद हम चल पड़े हैं भैरव घाटी की तरफ। तो ये देखिए ये बर्फ़ का क्या हाल हुआ, इस साइड तो सारी बर्फ़ है, इस साइड तो अगर नीचे भी देखें सारी बर्फ़ है बर्फ़। वैष्णो देवी भैरव बाबा पे मैंने पहली बार आज बर्फ़ देखी है, इतनी बार आ चुका हूँ क्योंकि रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था 5-7 दिन पहले। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं घर चला जाता हूँ यात्रा करने के बाद, या तो उसके हफ्ते बाद हो जाती है स्नोफॉल, या मेरे आने से हफ्ते पहले हो जाती है स्नोफॉल। जब मैं होता हूँ कभी लाइव तो देखी नहीं मैंने स्नोफॉल यहाँ पे। और दूर दूर तक देख लो कोई बंदा ही नहीं दिखाई दे रहा, ना बंदे की जात। बस हम तीन चले हुए हैं। तो दोस्तों कहावत तो आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा, इसी बीच में हमें मिल गई है ये, मतलब कोयला जलाया हुआ है, क्या सेक आ रहा है यार इसका। 500 मीटर रह गया भैरव घाटी, बट स्टिल हमने यहाँ पे प्रेफर किया बैठना क्योंकि इतना बढ़िया सेक है ना, सोच रहे हैं कि हमारे जॉइंट्स गर्म हो जाएं एक बार, क्योंकि सारे जॉइंट्स ठंडे पड़े हैं, कपड़े भी ठंडे पड़े थे। मैंने तो अपना हैंकी भी सुखा लिया, मेरा हैंकी बहुत गीला पड़ा था स्वेटिंग के कारण, हैंकी मैंने सुखा लिया अपना। क्या यार क्या बढ़िया सेक आ रहा है, मज़ा आ गया। जिस बंदे ने भी जलाई है ना ये आग, दिल से दुआ उसके लिए, और आंखों में नींद है। एक बंदा हमारा इधर सो गया है, ये देख सकते हो, एक बंदा हमारा यहाँ पे बैठा है साथ में आग सेक रहा है, और साथ में हम सेक रहे हैं। और हम अभी सोच रहे हैं कि 10-15 मिनट में जाएं ऊपर भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करके वापस यहीं पे आ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि कहीं और जाएंगे फिर तो हमारी बैंड बजने वाली है। लेट्स सी जो भी होगा बताते रहेंगे आपको। तो फाइनली दोस्तों 1.5 घंटा चिल करने के बाद पहुँच गए हम भैरव घाटी, ये देख सकते हो। मेरे को मम्मी का फ़ोन आ गया, पिक करके आपसे बात करता हूँ। तो आप भैरव घाटी के नज़ारे देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, ये कुछ बंदे बस यहाँ पे हैं, 2-3 इधर हैं, और बस हम दर्शन करने जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं चल कर आया हूँ भैरव घाटी, अदरवाइज़ लास्ट फ्यू टाइम से मैं तो उड़न खटोले से ही आ रहा था। अभी हम माथा टेकने चलते हैं अंदर, अभी मेन गेट बंद कर दिया, यहाँ से बैक साइड से जा रहे हैं सारे जने। बाबा जी की विभूति इज अवेलेबल एट द मेन गेट, जय बाबे जी। और ये रखी है बाबा जी की विभूति, ये देख सकते हो,
हल्का सा तिलक लगाएंगे हम भी इसका। और यहाँ की तो क्या बात करें, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब स्टिल नेकड आई से हल्के हल्के माउंटेन्स दिख रहे हैं, हल्की हल्की स्नो दिख रही है। ओहो हो भाई, खौफनाक लग रहा है ये मंजर। अचानक ही ये LED चला दिया पूरी, और इससे क्या रोशनी हुई है। बट आई नो कि आपको सामने का व्यू फिर नहीं दिख रहा होगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग पड़े थे भैरव बाबा की घाटी पे। एक्चुअली हम स्टार्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कैमरा में या मोबाइल में। कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए, हल्के हल्के शॉट लगा दूंगा। वैसे तो बेकार लग रहा है, स्टिल लगा दूंगा। तो अभी टाइम हो गया 10:10 अप्रोक्सीमेट, 10:15 हो गया। अभी हम जा रहे हैं डाउन द हिल। डाउन द हिल जाएंगे हम वाया हाथी मत्था, हो गया सांझी छत, फिर अर्धकुंवारी, फिर सीधा नीचे कटरा। और अभी हमने सोचा कि हम सीधा स्टेशन पर जाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे कि आराम से हम 6-7 बजे तक नीचे कटरा पहुंच जाए। 1.5 घंटा वेटिंग रूम में बैठेंगे और सीधा अपनी ट्रेन पकड़ के सीधा आ जाएंगे हम जलंधर। ठीक है, डन डन प्लान, डन डन, लेट्स गो। डाउन द हिल हमने स्टार्ट कर दिया जाना। बर्फ़ तो अप्रोक्सीमेट अभी सब सारी जगह पे ही दिख रही है, सारे रास्ते में दिख रही है बर्फ़ तो। और बस हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं कब तक सांझी छत पहुँचेंगे, फिर उसके बाद अर्धकुंवारी भी। दिन का समय होता फिर तो व्यू क्या औसम व्यू आने थे ना। ओहो क्या बताएं आपको। ठीक है, सांझी छत 0 किलोमीटर, फाइनली हम सांझी छत पहुंच गए हैं। ये देखिए क्या ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और बंदा तो देख लो, बंदा दूर दूर तक नहीं कोई दिख रहा। ये देखो वे टू हेलीपैड, हेलीपैड का रास्ता 700 मीटर अहेड। आगे जाके भवन का रास्ता भी आ जाता है इधर से, और आगे से हेलीपैड का रास्ता भी आ जाता है। सांझी छत, वो देखिए पुरानी गुफा दिखा रहे हैं यहाँ पे LED में। ये देखिए पुरानी गुफा, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। नए साल पे मैंने आपको ये सांझी छत दिखाई थी जब, तो कितना ज़्यादा क्राउड था। और अभी देखो दूर दूर तक बस एक आधा बंदा देखने को मिलता है, अदरवाइज कोई है ही नहीं टोटली रूट पे कोई है ही नहीं भाई, क्या कमाल की बात है। तो अगर खुले दर्शन करना चाहते हो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आ जाइए और दर्शन करके जाइए माता रानी के। तो दोस्तों फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच गए हम, और अभी देख सकते हो शाम के अकॉर्डिंग, मतलब शाम के मुकाबले बहुत कम क्राउड है। और अभी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी हमारा, वो तीसरा बंदा जो सबसे छोटा है वो थोड़ा गुम हो गया था, गुम नहीं हुआ था, वो काफ़ी आगे चला गया था भाग के। तो साथ वाले मतलब दोस्त को टेंशन हो गई थी, वो बोल रहा था वापस ढूंढने जाना पड़ेगा। मैंने बोला टेंशन ना ले, अर्धकुंवारी में होगा रुका। तो बस अर्धकुंवारी में मिल गया, और अभी हम हैं अर्धकुंवारी में, और बैक साइड में कटरा सिटी का व्यू। और अभी हम सोच रहे हैं कि जाते हैं सीधा नीचे, अभी चाय पानी पियेंगे, फिर हम जाएंगे सीधा नीचे एंड दर्शन करने आए थे। दर्शन काफ़ी खुले हुए, काफ़ी मज़ा आया, आप सभी ने देखा भी होगा। और अर्धकुंवारी का भी अगर आपको सीन बताएं कि मतलब बात करें तो गुफा ओपन नहीं होने वाली है अभी भी, जस्ट लोग जाके बाहर से ही दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखिए कपाट खुला हुआ है, अर्धकुंवारी मंदिर बैक साइड में देख सकते हो कपाट खुले हुए हैं। मेन एंट्रेंस बैक साइड से होती है, ये जो आप शेड देख रहे हो ना, यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है। और यह भगवती भवन, ये आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हो, यहाँ से आप ब्लैंकेट्स वगैरह भी ले सकते हो सोने के लिए, 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट पड़ता है। एंड अगर सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी सबमिट होती है, और अगर आप ब्लैंकेट वापस करोगे तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर आपको ये भगवती भवन में अपना रूम चाहिए होता है, या आपको अपना 2% के लिए 700 रुपीज़ का रूम मिलेगा। एंड अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो 120 या 170 रुपीज़ का आपको सिंगल बेड मिल जाएगा, वो ट्रिपल बेड कनेक्टेड होते हैं, वैसा आपको बेड मिल जाएगा सोने के लिए। तो ऐसा है, आप ना इसकी बुकिंग अगर करवाना चाहो, अगर तो सीज़न पीक पे हो तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड में है, वहाँ से आप बुकिंग करवा के नीचे से ही चलिए, क्योंकि ऑन द टाइम अवेलेबल होता है, कभी कभी नहीं होता है तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हम भैरव बाबा से हाथी मत्था, फिर सांझी छत, और अभी अर्धकुंवारी में है। ऐसा मैंने ये रूट सबसे पहली बार लिया था जब मैं वैष्णो देवी आया था अपने चाचा जी के साथ, तब हमने ये रूट लिया था हाथी मत्था से सांझी छत और फिर अर्धकुंवारी से सीधा कटरा। अदरवाइज़ अभी जब मैं रिसेंटली मैंने जितनी बार भी विजिट किया है, तो हम भवन से रोपवे में जाते थे ऊपर, और रोपवे से ही वापस आके हम अपना ताराकोटे मार्ग लेके, बाकी कभी कभी ताराकोटे से ही सीधा बाहर चले जाते थे, या कभी कभी अपनी पुरानी मार्केट में डाइवर्ट लेके, मतलब डाइवर्जन लेके पुरानी मार्केट से वापस आ जाते थे। हम जब दर्शन करने पहुँचे उसके हाफ एन आवर बाद ही
उसके हाफ एन आवर बाद ही वहाँ पे अपना कपाट बंद कर दिया था उन्होंने आरती के लिए, तो उसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी। मैंने शॉर्ट लगाया होगा, आई होप आपने चेक किया हो। तो राम मंदिर और शिव जी की गुफा है वहाँ पे, शिव जी की गुफा में अपने आप पानी आता है वहाँ पे, अंदर जाके दर्शन किए। जब आप माता रानी के मंदिर से दर्शन करके नीचे आते हो, आप जहाँ पे पंडित जी खजाना देते हैं मंदिर से आप बाहर निकलते हो, वहाँ से आपने लेफ्ट होना है आगे जाके, लेफ्ट हो गया ना तो थोड़ा सा आगे जाओगे राइट साइड में, नीचे स्टेयर्स जाती हैं अपना, वहाँ पे है शिव जी की गुफा और उसके साथ में ही मतलब स्टेयर्स ऊपर आके उसके साथ में ही राम जी का मंदिर भी है, तो वो भी विजिट कीजिए। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मतलब अगर 100% लोग पीपल यहाँ पे आते हैं तो उनमें से 99.9% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। एंड अभी बस चलते हैं, वो बंदे मेरी वेट कर रहे हैं, अभी चलते हैं यहाँ से, चाय पानी पीते हैं और फिर हम डाउन द हिल चलते हैं। जय माता दी, अभी आपसे इन दी रूट या नीचे जाके मुलाकात करेंगे। फाइनली दोस्तों डाउन द हिल पहुंच गए हैं, लोकल रूम से बैग वगैरह अपने निकाल लिए, जस्ट अभी सीधा जा रहे हैं मेन गेट पे, वहां से लेते हैं ऑटो रिक्शा या तो हम जाएंगे अभी निहारिका कॉम्प्लेक्स, वहां पे लेंगे रूम, मतलब जो इधर मतलब भवन होते हैं निहारिका भवन है वहां पे जाएंगे, अदरवाइज लेट्स सी बाकी या तो रूम लेना पड़ेगा क्योंकि हम काफ़ी अर्ली पहुँच गए हैं। एक्चुअली 2:30 बजे हैं अभी, 2:35 हो गए हैं और ये पीछे ले रहे हैं प्रसाद, इधर बैक साइड में खड़े हैं। और आई होप आप सभी ने वीडियो पसंद की होगी, पसंद की हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं पे मत जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मैंडेटरी है, प्लीज़ कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट बरकरार रखिए एंड इस वीडियो पे भी अपना भरपूर प्यार दिखाइएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी वैलिड है, और आपको बता दूँ एक बार फिर से ये पॉइंट कि अगर आप खुले दर्शन करना चाहते हो तो इस मंथ में आप आके दर्शन कर सकते हो, खुले दर्शन होंगे। अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में बहुत ही बढ़िया प्लेस पे। सो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।